का ड्रीम फिनाले अब हमसे सिर्फ 7 दिन दूर है। 2 अप्रैल को होने वाला है हमारा ड्रीम फिनाले। अब सिर्फ आप ही तय करेंगे कि इस बार के ड्रीम सीजन की ड्रीम ट्रॉफी किसको मिलेगी। सर, जो हमने गाना गाया कहना प्यारे, वो उसका जो फिल्म है, तो वो हमारा मोस्ट मतलब फेवरेट रोमांटिक मूवी है, तो उसमें ऋतिक सर का जो मतलब एक्टिंग है वो तो वैसे ही फेवरेट है हमारे। तो सर, हमारा सवाल ये है कि वो मतलब क्या बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे? हाँ, जब हम कॉलेज में थे तो उनके सामने 2 ऑप्शन था। यस सर। या तो ओवरसीज जाएं पढ़ाई के लिए या मेरे साथ जुड़ के मेरे असिस्टेंट बन जाए। तो मैंने ऑप्शन दोनों रखा उनके सामने, मैंने आप क्या बनना चाहते हो बड़े हो। तो उसने सोच समझ के 1-2 दिन के बाद कहा कि अच्छा पापा, मैं नहीं जाता, मैं आई विल बिकम योर असिस्टेंट। तो असिस्टेंट तो बन गया, पर उसको पता नहीं था कि ये बहुत टफ लाइफ है। हम नाश्ता एक टेबल पर करते थे, लेकिन गाड़ी में एक साथ शूटिंग पर नहीं जाते थे, स्टूडियो वो बस में ही आता था। ओ, बैकअप के बाद भी मेरे साथ गाड़ी में नहीं बैठता था, वापस भी उसी तरह उसे घर आना है। हम आउटडोर शूटिंग पे जाते थे तो वो ट्रेन में जाता था, हम प्लेन में जाते थे। हम 5-स्टार होटल में रहते थे, वो छोटी सी होटल में रहते थे जहाँ सारी यूनिट रहती है। एक साथ एक अकेले रूम नहीं मिलता था, 3-4 लोगों से शेयर करना पड़ता था। तो जो एक्सपीरियंस मैं गुजरा हूँ, मैं भी चाहता था कि वो भी उसी एक्सपीरियंस से गुजरे और सीखे। एक बार वो आया मेरे पास, हम नैरोबी में शूटिंग कर रहे थे, तो बोले पापा मैं नहा सकता हूँ आपके रूम में? मैं बोला क्यों, वहाँ से नहा के नहीं आए, लेट उठे थे। बोले नहीं नहीं, वो वहाँ पे पीला रंग का पानी आ रहा था तो मैं नहा नहीं पाया। तो ऐसे ऐसे दिन बीतते गए और वो सीखता गया। क्या बात, क्या बात। फिर जब मैं जब कहूँगा प्यारे, मैं कहानी ढूंढ रहा था कोयला के बाद कि क्या बनाऊँ, किसके साथ बनाऊँ। मुझे किसी ने कहा कि इसमें कोई नया लड़का हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रोमांटिक फिल्म होगी। तो मैंने बोला हाँ, नए लड़के के सोच रहे हैं। तो ऋतिक भी बड़ा हुआ था, तो मैंने बोला कि ऋतिक को ले लेंगे। ही वॉज वेरी लीन एंड थिन, डॉक्टर्स टोल्ड हिम दैट आप कभी अपनी फिजिक नहीं बना सकते, आप डांस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके इनहेरेंट कुछ प्रॉब्लम है स्पाइनल कॉर्ड में। But he challenged everything and he started exercising with books. And slowly, slowly with books he came to dumbbells. And dumbbells se usne phir ye sab apni physique banayi. Kya baat hai. Sochiye, Hritik ke spine mein problem hai, sochiye. Matlab jab nachte to aisa lagta ki spine hai hi nahi. Problem kahan hogi? Problem wahi hai. Unbelievable. And what a story. Best dancer, best physique, best actor. Hritik Roshan sir ke liye zordar taaliyan yaar. Kya baat hai. Vidipta ke liye zordar taaliyan. So, Rishi, वाकई में बहुत मजा आया। जब तुम गा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये आवाज पहले कहीं सुनी है। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना। वो सोचा कि कहाँ सुनी है मैंने ये आवाज। फिर मुझे याद आया कि जब ऋतिक गाता है, गुनगुनाता है, तो सेम आवाज है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऋतिक के लिए अगर तुम कभी प्लेबैक दोगे तो उसको बहुत सूट करेगा। am I right, विशाल? क्या बात है? मैं ऋतिक से कहूँगा कि आपके 2-3 लाइन फोन पे सुन ले और वो क्या कहता है मैं देखना चाहता हूँ। अरे awesome. क्या बात है सर, लेट मी हेल्प यू। मैं फोन लगाता हूँ। श्योर सर। वन सेकंड, आई एम पुटिंग ऑन स्पीकर। ऋषि, ऋतिक हियर, कम कम क्लोज टू द फोन। हेलो सर। हाय, हाय ऋषि। सर, सर थैंक यू, सर थैंक यू सो मच। सर मैं लिटरली अभी शेवर कर रहा हूँ, मेरी पूरी बॉडी शेवर कर रही है और मैं समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बोलूँ।
सर बट सर आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, लिटरली सर बहुत ज़्यादा बड़ा. मेरे पापा आपके फैन हैं अभी इस वक्त एंड सर सर मैं आसानी से वो तारीफ करते नहीं हैं, यू शुड नो दैट. प्लेजर सर, प्लेजर प्लेजर सर. वेरी वेरी नाइस टू मीट यू ऋषि. थैंक यू सो मच सर. Hritik, Hritik, hi Hritik. Hritik, can you hear me? I can hear you. Hritik, this is Vishal. Vishal, yeah. We were hoping you would hear Rishi sing a couple of lines for you. Then we were thinking of taking him to the studio to audition him for the one we are doing next. Jiska naam main yahan nahi lunga. Oh my God, that's an excellent plan. Come on Rishi, let's go for it. Whoa! I'm going. Sitaron ki mehfil mein gunjega tarana. के होठों पे आया है दिल का फसाना. अर दिल ने दिल को पुकारा, लो मैं आया मिलने दोबारा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. वाओ वाओ ऋषि, मैं इसीलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं फोन पर हूँ. But your voice has so much power, man. Thank you so much. Thank you. Whoa! Thank you, sir. It means a lot, sir. Thank you so much. इसमें मुझे दिख रहा है कि there's God gift also, but आपने मेहनत भी बहुत की होगी. So congratulations for that. दुनिया में आर्टिस्टों की जरूरत है. And you, because of your hard work, we are going to get one more amazing superstar artist in you. Wow. Yeah! Thank you, sir. Thank you so much, sir. I think you have a plan. Let's make this happen. Absolutely. Rishi is absolutely outstanding. Yeah. Awesome. I'm so glad to hear you say it. All the best. All the best. Enjoy the show, guys. Thank you. We thank love you, Hritik sir. We love you. देखो तुमने कहा है कि थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है, पर मेरा दिल कहता है तुम बहुत बड़ी घर में रहने वाली, महल में रहने वाली हो और अपने परिवार को इतना सुखी रखोगी कि तुम अपने आप ही सोच नहीं सकती. सच कह रहा हूँ. एंड गॉड ब्लेस यू. भगवान बहुत देगा, बहुत देगा. एक दिन मैं एक मोटरसाइकिल की एक स्कूटी मैं पापा को और आप पीछे बैठा. हाँ ऑफ कोर्स. छोटी सी दुनिया, पूरी दुनिया मेरे पापा के लिए मैं हूँ और मेरे लिए मेरा पापा है. पापा खुशी के आंसू हैं, है ना? सर मेरी लाइफ जलती है, क्या देखती हूँ सर मैं? सब आप लोग सबको आशीर्वाद दीजिए. मेरी बेटियाँ बहुत अच्छा, आप बेटी को मुझे से मैं कैसा देखूँ? मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगी सर. सबको इंडियन आइडल में थैंक यू. एवरीवन एवरीबॉडी सबको थैंक यू सर. आगे की जिंदगी राजा की तरह जियोगे, देखना. ये आज आपका लास्ट रोना है, इसके आगे कभी रोएंगे नहीं आप. पापा आपकी बेटी ने मौसम बदल दिया. मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब कोई मिल गया आई, उस टाइम पे हिंदुस्तान में एलियन की स्पेलिंग भी आधे लोगों को नहीं पता थी कि एलियन होते क्या है, और उसको इंडियनाइज करके इमोशनल फील करवाना सर वो कोई जादूगरी कर सकता है, और आपने वो किया है सर.
दुनिया के लिए क्रिश सुपर हीरो है, लेकिन हमारे लिए आप सुपर हीरो हैं सर। राकेश सर के लिए जोरदार ताली। और इस सुपर हीरो की कहानी हर एक को जाननी चाहिए, ये देखिए। क्या बात है। हिंदी सिनेमा में अगर वक्त के आगे रुकेगा नहीं और हालात के आगे झुकेगा नहीं कि कोई सबसे बड़ी मिसाल है, तो वो है देश के सबसे बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एक्टर राकेश रोशन जी। चलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। खूबसूरत और कामचोर जैसी सोलो हीरो फिल्मों में सफल होने के बावजूद इन्हें जिंदगी में वो पहचान नहीं मिल रही थी जिनके ये हकदार थे, और इसीलिए ये खुद प्रोड्यूसर बन गए। आपके दीवाने और जाग उठा इंसान जैसी बेहतरीन फिल्में प्रोड्यूस भी की, पर दुर्भाग्यवश वो भी नहीं चली। 85-86 का पीरियड था जब ये लगभग सब गंवा चुके थे। एक समय आया कि कोई और होता तो हार मान लेता, पर फिर वो रोशन थोड़े ना होता। इन्हें इनके अपनों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, पर अपनी फिल्मों की तरह ये रियल लाइफ में भी के फॉर खुददार हैं। इन्होंने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर फिल्में डायरेक्ट करना शुरू किया। पहली ही फिल्म खुदगर्ज सुपरहिट, दूसरी ही फिल्म खून भरी मांग ने इनको टॉप ब्रैकेट में पहुंचा दिया। किशन कन्हैया, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3 जैसी सुपरहिट्स और ब्लॉकबस्टर्स सब इन्हीं के डायरेक्शन और प्रोडक्शन से आए। श्री राकेश रोशन को इंडियन आइडल की ओर से 21 सरों की सलामी। आज आप लोग ने मेरी आंखों में आंसू दिलवा दिया। I was 16 years old. मेरे फादर गुजर गए। और उस दिन से मैंने कसम खाई कि मुझे भी कुछ बनना है, और बनने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मैंने नॉर्थ से साउथ हो गया, एकदम चेंज कर दिया अपने आप को। असिस्टेंट डायरेक्टर बना 5 साल के लिए, 200 रुपया महीना मुझे मिलता था। ₹100 मैंने मम्मी को देता था। उस वक्त राजेश 12 साल का था। फिर उसको मैंने ही ज्वाइन लक्ष्मीकांत परिलाल एज एन असिस्टेंट, उसने भी वहाँ 5 साल काम किए। तो ऐसी हमारी ज़िंदगी थी। फिर आस्ते आस्ते पिक्चरें मिली, एक्टिंग करियर शुरू हो गई। फिर मुझे शौक था पहले से ही कि मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब बनूं। तो एक्टर तो बन नहीं सका इतना। जब भी कोई पिक्चर चलती भी थी, मेरी तारीफ भी होती थी, मुझे पिक्चरें और मिलती नहीं थी। हमेशा हर पिक्चर मैंने मांग के लिए, मेरे दरवाजे भी कोई पिक्चर नहीं आई सिवाय खूबसूरत से, जो ऋषिदा ने मुझे बुलाया था, ऋषिकेश मुखर्जी ने क्या। लेकिन भगवान ने एक दूसरी चीज़ में मुझे कामयाबी दे दी, वो है डायरेक्शन में और प्रोडक्शन में। तो चलता रहा। क्या बात है, क्या बात। 2 अप्रैल को होने वाला है हमारा ड्रीम फिनाले। इन 6 फाइनलिस्ट में से कोई एक जीतेगा ये ट्रॉफी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.